नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री ने जींद से शुरू किया प्रदेश व्यापी पौधागिरी अभियान। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए प्रदेश के लोगों को पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाकर अच्छा माहौल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से तैयार किए गए पौधागिरी अभियान की शुरुआत आज जींद जिला के नरवाड़ा उपमंडल से की। इस अभियान के तहत पूरे हरियाणा में कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के करीबन 20 लाख स्कूली बच्चे बारिश के मौसम में लगाएंगे एक एक पौधा। मुख्यमंत्री ने साथ ही नरवाड़ा में 72,77,34,000 रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अभियान की सफलता को लेकर के स्कूली बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। प्रत्येक बच्चा जुलाई से अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में एक एक पौधा रोपण करेगा और उसकी परवरिश का जिम्मा भी अपने ऊपर लेगा। मुख्यमंत्री ने अभियान की शुरुआत में पौधों से भरी दर्जन ट्रैक्टर ट्रालियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के तहत पूरे हरियाणा में कक्षा 6 से 12वीं तक के करीब 20 लाख स्कूली बच्चे बारिश के मौसम में एक एक पौधा लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को पौधारोपण का संदेश देते हुए कहा कि पौधागिरी कार्यक्रम 6 से 12वीं तक के स्कूली बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। ये बच्चे अपने स्कूल आंगन, घर व नहर के किनारों, नालों, पार्कों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण कर सकता है। बच्चा रोपित किए गए पौधे का नाम भी देगा और वह उस पौधे का नामकरण अपने पूर्वजों, महापुरुषों, गुरुजनों तथा परिवार के सदस्यों के नाम पर अथवा अपने खुद के नाम पर पट्टी लगाकर कर सकता है। इस पर रोपित की गई तिथि को भी अंकित कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन पौधों को सुरक्षित रखने के कार्य में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेगा। हर 6 महीने बाद पौधा का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 साल तक ऐसे पौधों को प्रत्येक 6 महीने बाद 50 रुपये की राशि हर बच्चे को दी जाएगी। बच्चा इस राशि को पौधों के रख रखाव और उसमें खाद पानी देने जैसे काम पर खर्च कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश में 6ठी कक्षा से लेकर के 12वीं तक की कक्षाओं में लगभग 20 से 22 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं जींद पल पल से ये खास रिपोर्ट। देखिए, मेरा जो संपर्क अभियान है लगातार प्रदेश में कई उसके प्रकार चल रहे हैं। जैसे बड़े शहरों में रोड शो के कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे ही जहां बड़े बड़े गांव हैं जिनको हमने महाग्राम कहा है, उन महाग्राम क्षेत्रों के विधानसभाओं में एक एक जगह तीन तीन चार चार कार्यक्रम ये मैं कर रहा हूँ। और जो हमारा संपर्क फॉर समर्थन, इस अभियान के अंतर्गत हम इंडिविजुअल कुछ लोगों को मिल रहे हैं। ऐसे ही आज मैंने कार्यक्रम तय किया है कि 5 और 6 दो दिन का ये कार्यक्रम मेरा है कार्यकर्ताओं के यहाँ, उनके ऊपर उनके साथ चाय पर चर्चा इस नाते से हम कर रहे हैं। हमको भी एक कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी मिलता है और आगे कुल मिलाकर के अब समय ऐसा आ गया है कि फील्ड में रहने का ही समय ज़्यादा है। सरकार चलाने के नाते प्रारंभिक 3.5 साल तो मेरा कार्यक्रम चंडीगढ़ में रहने का ज़्यादा था, लेकिन अब अगला 1.5 वर्ष जो है ये फील्ड में रहने का है। तो इस नाते से एक संपर्क अभियान के इस प्रारूप को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
और इसी अभियान के इसी यात्रा के अंतर्गत जो जो कार्यक्रम बीच में आते हैं वो मैं करता हूँ। आज जिस प्रकार से दो ये कार्यक्रम यहाँ नरवाना में ही हुए हैं, एक तो जिसके अंदर पौधारोपण का जो कार्यक्रम जो हमने घोषणा की थी कि 3 महीने जुलाई अगस्त तो सितंबर स्कूल के जो विद्यार्थी हैं 6 से लेकर 12 तक लगभग 20-22 लाख ये विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी अपने नाम से अपने परिवार के किसी पूर्वज के नाम से किसी महापुरुष के नाम से एक पौधा अवश्य लगाएंगे और उस पौधे की सुरक्षा करना भी इन बच्चों की जिम्मेवारी लगाई गई है। तो एक प्रकार का जो ये पौधारोपण का अभियान है ये सफलता से चले आज एक प्रतीक रूप में कार्यक्रम किया है। इसी प्रकार यहाँ कुछ शिलान्यास और उद्घाटन ये भी हुए हैं, लगभग 75 करोड़ रुपए की राशि के ये सारे उद्घाटन और शिलान्यास आज जनता को जिन जिले की जनता को ये समर्पित किए हैं।